हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रेड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन हेडफोन्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, ये है मीवी के हेडफोन्स, मीवी कॉलर हेडफोन्स ये हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। और मैं आपको बहुत साइज दिखा देता हूँ, इसमें बहुत साइड में आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। यहाँ पे मैं इसके आपके कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स है, वो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। एंड साइड से जो है इसका बटन का आपको ऑप्शन जो है वहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड इसमें मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे आपको जो है प्लस एंड माइनस का ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाता है, यानी कि चार्जिंग आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हो इसकी। तो गाइस, ये होता है ये मीवी का हेडफोन, कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है। बात करते हैं इन ईयरबड्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत सॉफ्ट है, कुशनिंग सॉफ्ट है इसकी। एंड इसके अंदर जो है, इसके अंदर मैग्नेट हमें देखने मिलता है। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ मैग्नेट किस तरह से काम करता है, ठीक है। कैमरामैन फोकस कीजिए, यहाँ पे हो गया फोकस, अभी हो चुका है फोकस यहाँ पे कैमरामैन, ठीक है। देखिए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके मैग्नेट्स के बारे में गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यह मैग्नेट देखो अभी एकदम से यहाँ पे जो है चिपक जाता है कुछ इस तरह से, है ना। आप भी देख सकते हो यह यहाँ पे जो है चिपक गया है इसे। तो ये बहुत आराम से यहाँ पे ऐसे जो है चिपक जाते हैं एकदम आसानी से। एंड जो है दोनों के दोनों यहाँ पे जो है मैग्नेट्स जैसे चिपक गए हैं। तो गाइस, अभी बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, ये हेडफोन्स ओवरऑल किस तरह से मुझे लगे, आपको ये परचेस करना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे। तो सबसे पहले तो मैं अभी इसे पहन लेता हूँ, पहनने के बाद मुझे किस तरह से फील होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, मैं इसमें गाने भी प्ले करके देखता हूँ, एक दो गाने मैं इसे बजा के देखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मैं गाना लगा रहा हूँ और गाना जो है वो शुरू हो चुका है वीडियो के। अब जो है मैं यहाँ पे गाना प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, और गाना जो है वो शुरू हो चुका है इसमें। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है इसे, आपको बस इसका ब्लूटूथ ऑन करना होता है। एंड ब्लूटूथ ऑन होने के बाद मीवी कॉलर ऐसा लिख करके आता है ब्लूटूथ में ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बस इसे कनेक्ट कर लेना है, पासवर्ड वगैरह की कोई ज़रूरत इसमें आपको नहीं पड़ती कनेक्शन के लिए, कनेक्शन एकदम आसानी से हो जाता है। एंड अभी गाना इसमें चल रहा है, तो इसमें जो गाना आप सुनने मिल जाता है वो गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे सुनने यहाँ पे मिल गया है। इसकी जो बेस क्वालिटी है, जो ट्रिपल क्वालिटी है, जो ओवरऑल वॉल्यूम क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप पूछते हो इसके बेस के बारे में, तो बेस भी इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाता है इन हेडफोन्स के अंदर। तो मैं थोड़ा भी गाना पॉज कर लेता हूँ ताकि आपसे अच्छे से बात कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने अभी ये जो है गाना है जो है पॉज कर लिया है। एंड वो ईयरबड्स से हमें एकदम आसान सी एंड एकदम प्योर HD क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी हमें यहाँ पे सुनने मिल जाती है। अभी बात करते हैं, आप इसे गाड़ी पे चलते वक्त यूज़ कर सकते हो या नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो गाड़ी पे चलते वक्त तो आप इसे, मतलब जब आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप इसे यहाँ पे रख तो सकते हो, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ किस तरह से करोगे, आपको इसे पहनना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हेलमेट वगैरह पहन रहे हो तो ये थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि पहले बात तो आप इसे हेलमेट में पहनना कोशिश करोगे तो वो, अगर आपके हेलमेट के अंदर जो कैप्स होती है, अगर वो कैप आपके हेलमेट में मौजूद है तो आपको इसे पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर वो कैप नहीं है, पूरा हेलमेट आपका इस तरह से है, तो आपके ये ईयर्स को जो है परेशानी देने वाला है। बाद में अगर आप इसे ये पहनने के बाद उसके ऊपर से ऐसा हैंडकरचीफ पहनते हो ना, अगर आप हेलमेट पहनने की कोशिश करते हो तो शायद से आप इसे पहन सकते हो, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर उस टाइम में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही ईयरबड यूज़ कीजिए, एक छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक होता है तो हम ये एक्चुअली सही तरीका तो नहीं है, तो हमें आवाज़ भी सुनना होता है ट्रैफिक का, तो इसलिए एक ही यूज़ कीजिए। और अगर ये इमरजेंसी केस में बता रहा हूँ, अगर आप फ्री हो तो आप आराम से साइड में रुक के ही इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना याद रखिए, माइक कुड है। एंड देन एक मिनट गाइस, यहाँ पे है ना माइक, दिख रहा है माइक, वर्ती के वर्ती कर खाली है, माइक इज वर्किंग आई होप सो। मैं एक बार देख लेता हूँ टाइम सांग को कैसा लगा। 1442 5:22, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 1442 पे। एंड अभी आपको ये थोड़ा इसे जूम करके दिखा दो गाइस, देख लो यहाँ पे जूम कर लो पहले, ओके। तो गाइस अभी बात करते हैं, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है साउंड क्वालिटी।
ठीक है गाइस, इसके हाईज एंड लोज एकदम इन्होंने अच्छी तरीके से जो है बैलेंस करके रखे हैं इन हेडफोन्स के बारे में। इसकी जो बैटरी लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने मिल जाती है गाइस। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी है, कॉल्स भी आप इससे कर सकते हो एंड ये स्वेट प्रूफ होता है। ठीक है, स्वेट प्रूफ लाइट वेट डिज़ाइन है इसकी, एकदम सी लाइट वेट ऐसी जो है इसकी डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है। HD क्वालिटी आपको इसमें साउंड मिलता है गाइस। तो कुछ इस तरह से हमें ये जो है इसके कुछ फीचर्स है जो हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। लाइट वेट डिज़ाइन है, पोर्टेबल भी है, काफ़ी कम्फी से है। ड्यूअल पेयरिंग इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, सिमलेस कनेक्टिविटी है, स्टाइलिश बॉडी भी आपकी इसमें जो है देखने मिल जाती है गाइस। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरह से है, देखो ये स्टाइलिश है, कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है। बैटरी लाइफ इसकी आपको अराउंड मिल जाती है 10 घंटा, आप गाना सुन सकते हो, वो भी 70% अगर आप इसकी बैटरी चार्ज रखते हो, नॉट 70% 100% बैटरी चार्ज रखिए, लेकिन जो वॉल्यूम होता है उससे आपको रखना होता है 70% पे। तो अगर आप 70% पे वॉल्यूम रखते हो तो आराम से आपको 10 घंटे का जो है वो इसमें टॉक टाइम मिल सकता है और गाने भी आप इसमें सुन सकते हो। तो अगर आपके पास ये हेडफोन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका हेडफोन किस तरह से काम कर रहा है, आपकी बैटरी लाइफ आपको कितना मिल रही है अभी तक, तो वो भी नीचे मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको बताया इनके अंदर मैग्नेट्स होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भी जो है कनेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिकली ये दोनों ने कनेक्ट कर लिया है यूजिंग मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये मैग्नेट होने की वजह से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो। तो इसका बेनिफिट आपको कहाँ पर देखने मिलता है, तो जैसा अभी हम इसे पहनते हैं ना, अगर हमने इन यहाँ पे पहन के रखा है एंड आप बस इसे घूम रहे हो तो ये नीचे गिर सकते हैं। ऐसा अगर आपको लगने लगा तो पहली बात तो आप इसे यहीं पे मैग्नेट होता है तो आप यहीं से इसमें एडजस्ट करके भी ये यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ और तरीका चाहिए, ऐसे नीचे लटक रहे अच्छा नहीं दिख रहे, तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। तो ये दो वेज होता है, आपको जो भी अच्छा लगता है यूज़ करते करते तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा तो कोई करता है नहीं, मैं भी खुद भी ऐसा नहीं करता, लेकिन एक वे है तो आपको बताना ज़रूरी बात होती है। जनरली तो हम इसे ऐसे ही करते हैं एंड जैसा आप इसे 5-6 दिन कंटिन्यूसली अगर यूज़ करने लग जाओगे तो आपको आदत सी हो जाएगी, तो आपको ये आइडेंटिफाई भी नहीं होने वाला कि ये आपके शरीर पे है, ऐसा कुछ थिंग आपके शरीर पे है, क्योंकि ये थिंग जैसा हो जाएगा। अगर आप कॉलर वाली जो शर्ट पहनते हो, तो शर्ट टी शर्ट आप जो भी पहनते हो अभी आपको डिपेंड करता है, अगर आपके उसको कॉलर है तो ये कॉलर के नीचे से आपको किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं होगा कि ऐसा आपने कुछ पहना है, तो बस आपकी ये छोटी सी वायर दिखेगी, छोटी सी वायर से आप इसे आराम से जो है कॉल पे बात कर सकते हो एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक हमें देता है। अगर आप पूछोगे ये थोड़ा सा हेवी लग रहा है तो हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हेवी तो इतना है नहीं, जैसे हमने कहा ये लाइट वेट है, आपको फील नहीं होने वाला आपके शरीर पर ऐसा कुछ है। स्टार्टिंग 1-2 दिन हाँ आपको फील होगा, लेकिन उसके बाद आप इसे यूज टू हो जाओगे, तो इसके वो आपको ज़्यादा कुछ इसमें फील नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाता है, साउंड क्वालिटी हमें अच्छी देखने मिल जाती है, बेस इसका सही है, ट्रिबल्स का सही है, ओवरऑल वॉल्यूम क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने मिलती है। यहाँ पे यहाँ से हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं आपका गूगल होम होता है, तो गूगल होम भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ हे गूगल, ओके गूगल, तो वो हमारा जो मोबाइल का जो होता है कनेक्शन, तो वहाँ पे ओके गूगल हे गूगल जैसे एक्टिवेट होता है, तो वो आप सीधा यहीं से एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी अभी इसने एक्टिवेट हो चुका है मेरा गूगल, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसके वजह से वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है गूगल, तो यही से आपको एक्टिवेट हो सकते हैं, यही से आप इसका वॉल्यूम जो है कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम रिड्यूस भी कर सकते हो यही से। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। फार में आपको ऑन ऑफ स्विच तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, चार्जिंग भी आप यहीं से कर सकते हो, नॉर्मल चार्जिंग से इसे चार्ज कर सकते हो गाइस। तो गाइज, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो उसका मोबाइल हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो उस वक्त आपको ये मीवी के ईयरफोन जो है वो ज़्यादा यूज़ में आ सकते हैं। बस इसे लगा दो, आपका फ़ोन कहीं और रख दिया समझो आपने, आपका फ़ोन यहाँ से 10 फीट की दूरी पे है, आपको नहीं जाना, आप आपके टेबल पे बैठे हो, आपको कॉल रिसीव करना है, फ़ोन तो आपको आ चुका है, तो आपको वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से एक बटन प्रेस कर सकते हो, यहीं से आप कॉल जो है वो रिसीव कर सकते हो। तो ये भी कुछ अच्छी से बातें होती है यार, जो आपको एकदम यूज़ में आ सकती है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप हर एक बार तो नहीं जा सकते, एंड अगर आप वॉकिंग को जाते हो तो वॉकिंग के टाइम में भी आप इन्हें पहन सकते हो, गाने सुन सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो, मोबाइल खिसे के अंदर होता है तो सीधा यहीं से कॉल रिसीव कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ ऐसी जिम में भी आप इसे पहन सकते हो, बट डिपेंड करता है, अगर जिम में भी आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो तो आप इसे पहन सकते हो, अगर आप कुछ
वेट्स उठा रहे हो तभी भी आप कर सकते हो। जब तक आप कोई एकदम हार्ड कोर ऐसे कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसा जंप कर रहे हो वगैरह, तब तक ऐसा नहीं करते तब तक आप इसे पहन सकते हो नॉर्मल एक्सरसाइज। अगर जंप वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको ये निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो ऐसे ऊपर नीचे होगा तो कोई मतलब नहीं बनता। तो वो छोड़ के बाकी सब जिम इक्विपमेंट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, यूज़ करते वक्त आप गाने भी सुन सकते हो। बेस क्वालिटी सही हमें देखने मिल जाती है, ऑडियो क्वालिटी क्लियर हमें देखने मिल जाती है। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है, आपकी वाइफ कॉल करती है, आपका हस्बैंड कॉल करता है, अगर कोई लड़की वीडियो देख रहे तो या वाइफ कोई वीडियो देख रही तो आप इसी से बात कर सकते हो एकदम आसानी से। तो वेल ये डिपेंड करता है अभी आप कौन से कैटेगरी में हो। तो मुझे तो पर्सनली ये हेडफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ मुझे अच्छे लगे हेडफोन्स। एंड अभी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास ये हेडफोन है तो आपके हेडफोन्स में आपको क्या क्या देखने मिला, आपके हेडफोन्स आपके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपको उसमें बैटरी लाइफ कितनी मिल रही है, चार्जिंग टाइम कितना ले रहा है, बाद में इसकी साउंड क्वालिटी आपको किस तरह से लग रही है, कितना टाइम हो गया आपको उसे यूज़ करते हो, वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या मैं आपको कुछ और इसमें बता सकता हूँ। साउंड क्वालिटी तो HD है जैसे मैंने आपको बोला, ऑडियो क्वालिटी HD है, एंड वॉइस कॉलिंग क्वालिटी है वो भी HD है, लाइट वेट है, सिंपल है, आसान है कनेक्ट करना, एकदम आसानी से सब जो है पेयर हो जाता है। तो चलिए गाइस नीचे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। एंड मैं शायद से आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो है ये एडजस्टेबल नॉब दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो इससे आप जो है इसकी लेंथ जो है बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, जो भी आपको डिपेंड करता है। तो ये एडजस्टेबल होने की वजह से ये अच्छा हमें यहाँ पे एक जो फीचर है वो देखने मिल जाता है। तो और ऑलवेज इन प्लेस होता है, यानी कि इसे अगर आप यहाँ पे रखते हो तो यहीं पे रहेगा, ऐसा घूमने नहीं वाला, जब तक आप कोई ऐसा जंप वगैरह नहीं करते तब तक ये इसी जगह पे ऐसा स्टेबल होता है। तो हाँ ये कुछ अच्छी बातें मुझे इसमें देखने मिलती है। तो ऑब्वियसली बात नहीं कमेंट करके मुझे बताइए ना, अगर तो अभी तक आपने ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। बाय बाय।